प्रोड्यूसर राजन शाही ने हाल ही में अपने सुपरहिट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से दो लीड एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया। इन दोनों के रिप्लेस करने के बाद प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया था। इस स्टेटमेंट में लिखा था कि एक्ट्रेस की बढ़ती बदतमीजी के चलते उन्हें शो से टर्मिनेट किया जा रहा है। उनके इस फैसले के बाद एकता कपूर के साथ कई प्रोड्यूसर्स ने राजन शाही की तारीफ की थी। अब राजन शाही की तरफ से एक प्रोडक्शन हाउस ने अपने सीरियल की एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया है। गुम है किसी के प्यार में और तेरी मेरी डोरिया जैसे हिट सीरियल देने वाले प्रोडक्शन हाउस ने तेरी मेरी डोरिया की किरत का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्राची हांडा को रिप्लेस कर दिया है। इस सीरियल की कास्टिंग डायरेक्टर प्रशांत जोशी ने प्राची हांडा पर सेट में दिखाने का आरोप लगाया है। अब प्राची हांडा की जगह तृप्ति शर्मा ये किरदार करती हुई नजर आ रही हैं। ये रिश्ता के बाद शुरू हुए रिप्लेसमेंट ट्रेंड से एक्टर कम्युनिटी बड़ी नाराज है। दबी आवाज में अब ये चर्चा होने लगी है कि एक्ट्रेस के बीच यूनिटी ना होने के कारण अब कोई भी प्रोडक्शन हाउस जब चाहे उन्हें रिप्लेस कर सकता है। एक एक्टर ने बिना नाम पब्लिश करने की शर्त पर TV9 हिंदी डिजिटल के साथ खास बातचीत में कहा कि बदतमीजी की वजह से शो से निकालना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ एक्टर का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। एक्टर ने कहा कि हम कई बार 12 से 15 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, कभी कभी डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है। ऐसे में अगले दिन छुट्टी लेना या देर से आना या बैक टू बैक शूट के बाद आराम के लिए ब्रेक लेना ये एक्टर ही नहीं हर इंसान का अधिकार है, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में एक्टर को मशीन समझा जाने लगा है। रिप्लेसमेंट में इस ट्रेंड के बाद तो बदतमीजी का टैग लगाकर प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से किसी को भी रिप्लेस कर देंगे।